मान लेते हैं कि मेरे पास दो फ्रैक्शंस हैं जो कि आपस में मल्टीप्लाइड हैं जैसे कि वन डिवाइडेड बाई वन डिवाइडेड बाई टू और इसको हमको मल्टीप्लाई कर देना है वन डिवाइडेड बाई से फोर से इसकी वैल्यू हमको पता करनी है तो चलिए सबसे पहले इसको हम यहाँ पे देखते हैं कि एक्चुअली में ये क्या है तो मैं यहाँ पे एक पूरा डब्बा ले लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि मैं एक डब्बा क्यों लूँगा क्योंकि इसको मैं कभी भी वन से तो मल्टीप्लाई ही कर ही सकता हूँ वन का कुछ भी है ये क्योंकि वन से मल्टीप्लाई करने में कुछ फर्क पड़ता नहीं है तो एक मैं मान लेते हैं इस डब्बे से रिप्रेजेंट कर देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास ये वाइट कलर का डब्बा है ये वन को शो कर रहा है एक पूरा बॉक्स इसका हमको हाफ करना है तो चलिए इसका हम हाफ़ कर देते हैं तो ये हो जाएगा कुछ यहाँ पे इसका हमने हाफ़ कर दिया तो ये हो गया वन बाई टू और ये भी हो गया वन बाई टू तो यहाँ पे इसका एक पार्ट जो है ये वाला पार्ट ये वन बाई टू को शो करेगा और चाहे आप ये ले लीजिए ये भी वन बाई टू को शो करेगा अब इस पूरे का हमको वन बाई फोर्थ करना है अब इस वन के हाफ पार्ट का हमको वन बाई फोर्थ करना है ये था मेरा पूरा वन ये था मेरा पूरा वन इसको हमने पहले हाफ़ किया इसको पहले हमने किया हाफ अब इस हाफ पोर्शन का हमको वन फोर्थ करना है यानी कि इसको हमको हम चार इक्वल पार्ट में बांट के उसका सिर्फ एक पार्ट लेना है तो चलिए इसको हम बांट देते हैं तो ये है मेरा हाफ इसको हम बांटते हैं चार पार्ट्स में ये हो गया ये वाला ऐसा चलिए मान लीजिए इसको भी हम चार पार्ट में बांट देते हैं चार इक्वल पार्ट में तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा अब इन चार पार्ट में से हमको एक पार्ट उठाना है यानी कि ये वाला पार्ट मान लीजिए हम उठा लेते हैं ये ब्लू वाला पार्ट तो ये जो पार्ट है यहाँ पे ये वन बाई फोर को शो करेगा किसके वन बाई फोर को तो इस वन के हाफ के वन बाई फोर को तो चलिए इसको यहाँ पे हम लिख देते हैं कि ये जो पोर्शन है यहाँ पे ये होगा वन बाई फोर वन बाई फोर लेकिन किसका वन बाई फोर तो वन बाई टू का वन बाई फोर ये जो वन बाई टू था उसका वन बाई फोर है ये तो यहाँ पे हम लिख देंगे इन टू इन टू वन बाई टू का वन बाई टू का और ये किसका हाफ था एक्चुअल में इस पूरे बॉक्स का तब आप यहाँ पे वन इन टू लिखे या नहीं लिखे एक ही बात है तो ये होगी इसके बाद लेकिन में, अगर मैं इस पूरे डब्बे की बात करूं तो ये छोटा सा ये ब्लू वाला पोर्शन यहाँ पे एक्चुअल में पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में कितना पोर्शन शो कर रहा है कितना पार्ट शो कर रहा है तो अगर मैं इस पूरे डब्बे को ध्यान से देखो तो इसको तो मैंने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है और यहां जो ये पोर्शन है ये जो पार्ट है इसका आठ पार्ट में से एक पार्ट को शो कर रहा है यानी कि इसको मैं बोल सकता हूं कि ये जो यहाँ पे है ये जो यहाँ पे एक पार्ट है ये पूरे आठ पार्ट्स का पूरे आठ पार्ट्स का वन पार्ट है वन पार्ट है तो एक्चुअल में ये पूरे डब्बे के रिस्पेक्ट में वन बाई एट को भी शो कर रहा है अब चलिए इसको मल्टीप्लाई करके देख देते हैं कि इसकी वैल्यू क्या आती है तो उसको करने के लिए हम दोनों के मल्टीप्लाई कर देंगे तो टाइम्स हो जाएगा डिवाइडेड डिनोमिनेटर्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो टू टाइम्स फोर हो जाएगा एट टू टाइम्स फोर हो गया एट जो कि एक्चुअली हमारा सेम रिजल्ट है जो कि हमको यहां से मिला है यहां से मिला है वैसे ही मान लीजिए मेरे पास एक दूसरा फ्रैक्शन है कुछ ऐसा कि जैसे मुझे मल्टीप्लाई करना है टू बाई थ्री को टू बाई थ्री को अगर मुझे मान लीजिए फोर बाई फाइव से मल्टीप्लाई करना है तो चलिए इसको देखते हैं कि ये एक्चुअली में क्या रिप्रेजेंट कर रहा है तो मान लीजिए मेरे पास एक डब्बा है यहाँ पे एक कोई डब्बा है यहाँ पे एक डब्बा मैंने यहाँ पे लिया कुछ ऐसा और इसको पहले मैं तीन इक्वल पार्ट्स में बांट देता हूं क्योंकि यहाँ पे टू थर्ड है मैं इसको तीन इक्वल पार्ट्स में बांट के उसके दो पार्ट्स ले लूंगा तो ये ऐसा कुछ चलिए मैं इक्वल पार्ट्स एक्चुअली बनाना चाह रहा हूँ जो कि बन नहीं रहा है मेरे इस ख्याल से लेकिन आई थिंक आपको एक आइडिया लग गया होगा कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ इसको मैंने तीन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और इसका मुझे दो पार्ट यहाँ पे लेना है तो ये हो गया मेरा पहला पार्ट और ये हो गया मेरा दूसरा पार्ट तो ये हो गया टू थर्ड अब इस टू थर्ड को मुझे फोर फिफ्थ लेना है यानी कि इसको अगर मैं इसको अगर मैं पाँच इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूँ ये हो गया मेरा पहला पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट ये हो गया तीसरा पार्ट ये हो गया चौथा पार्ट और ये हो गया पांचवा पार्ट तो अब इस टू थर्ड का अब इस टू थर्ड का मुझे फोर बाई फिफ्थ करना है यानी कि पांच पार्ट में बांटने के बाद मुझे इसमें से चार पार्ट उठाने हैं तो ये हो जाएगा मेरा पहला पार्ट ये हो गया मेरा पहला पार्ट ये हो गया दूसरा पार्ट ये तीसरा पार्ट और ये चौथा पार्ट ये चारों मेरे हो गए फोर फिफ्थ किसके टू थर्ड के तो अगर मैं अब इस एक्चुअल पूरे डब्बे के रेस्पेक्ट में बात करूँ तो देखते हैं कि ये कितने रीजन को कितने पोर्शन को शो कर रहा है तो ये है मेरा पहला वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन अलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोरटीन फिफ्टीन ये पूरे डब्बे को मैंने एक्चुअली फिफ्टीन पार्ट में बांटा है जिसमें से वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एट पार्ट मैंने शेड किए हुए हैं यानी कि टोटल यानी कि टोटल 15 पार्ट में से मैंने 8 पार्ट उठाए हैं जो कि ट्रू भी है टू फोर जा एट और थ्री फाइव ज फिफ्टीन होता है जो कि यहां पे हम शो कर पा रहे हैं